नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के विरासत स्थल जो यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में क्विक रिवीजन मैं आपका करवा रहा हूँ। जिसको आते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं आता उनको पता चल जाएगा, जो सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। भाई महाराष्ट्र में है, 2-3 स्थल है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या क्या है? एलिफेंटा की गुफाएँ, एलिफेंटा की गुफाएँ। ठीक है, दूसरा एलोरा की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएं, और अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। ये तीनों जो है महाराष्ट्र में हैं और भारत के विरासत स्थल हैं जो यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं। ठीक है, और एक है महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, 4 हैं, 3 गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो यूनेस्को के द्वारा विरासत स्थल घोषित है भारत के। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्या क्या है? सांची स्तूप है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका गुफा। ठीक है भाई, तो महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, खजुराहो मंदिर और भीमबेटका गुफा। ठीक है, ये विश्व यूनेस्को के द्वारा घोषित विरासत स्थल हैं। असम में, असम में है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, दूसरा है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दिल्ली में फिर है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। लाल किला, लाल किला। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा भाई कि कुतुब मीनार किसने बनाया, कब बनाया। सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूँ जो विरासत स्थल हैं यूनेस्को के द्वारा घोषित जो भारत में है, वो सिर्फ बताया जा रहा है। ठीक है, बिहार में, बिहार में है महाबोधि, महाबोधि मंदिर गया। ठीक है, महाबोधि मंदिर गया में जो है वो बिहार में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 2-3 हैं, वो आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक मुगल सिटी, मुगल सिटी जो फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ताज महल, ताज महल जो आगरा में है। ठीक है, और आगरा का किला, वहीं पे आगरा का किला। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? मुगल सिटी जो फतेहपुर सीकरी में है, ताजमहल जो आगरा में है और आगरा का किला। उत्तराखंड, उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल, गोवा का बता देता हूँ। गोवा, गोवा में है पुराने गोवा का चर्च, पुराने गोवा, पुराने गोवा का चर्च जो है वो गोवा में है। उत्तराखंड में नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और उत्तर प्रदेश में मुगल सिटी, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल का जो आगरा में है और आगरा का किला। ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, हिमालयन रेलवे, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है। राजस्थान, राजस्थान में है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक में है पट्टदकल, पट्टदकल स्मारक समूह, स्मारक समूह, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में है पट्टदकल स्मारक समूह, और क्या कर्नाटक में, विट्ठल स्वामी, विट्ठल स्वामी मंदिर, ठीक है। एक है हम्पी स्मारक समूह, हम्पी स्मारक समूह, ये कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है भाई। तो कर्नाटक में तीन हो गए, एक तो पट्टदकल स्मारक समूह, हम्पी स्मारक समूह और विट्ठल स्वामी मंदिर, ठीक है। फिर तमिलनाडु में, तमिलनाडु, तमिलनाडु में महाबलीपुरम का मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर, ठीक है। दूसरा है वृहदेव, वृहदेव मंदिर तंजावुर, तंजावुर, ठीक है। तो तमिलनाडु में क्या है, महाबलीपुरम का मंदिर और वृहदेव मंदिर तंजावुर में, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको कराए हैं जो भारत के विरासत स्थल है, यूनेस्को के द्वारा घोषित है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं। इसी तरह आपके लिए जो फैक्चुअल डाटा, स्टैटिक जो डाटा है, वो कविक रिवीजन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।